हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं रेनी सीजन यानी मॉनसून में प्लांट्स की केयर कैसे किया जाए, इसके लिए 7 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट टिप्स, रेनफॉल होने के कारण फूलों वाले प्लांट्स हो या वेजिटेबल प्लांट्स, ऑल टाइप्स के प्लांट्स के लीव्स ऐसे येलो होते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले इन येलो यानी डेड लीव्स को हटा देनी चाहिए। सेकेंड टिप्स फ्रेंड्स, रेनी सीजन में कंटेनर में वीड्स ज़्यादा ग्रो होती है, तो जब भी वीड्स ग्रो होने लगे तो अब वीड्स को रिमूव कर दीजिए। इससे प्लांट्स में फंगल डिजीज और इंसेक्ट अटैक कम हो जाती है और तो और प्लांट सॉइल से पूरी न्यूट्रिशन खुद ले पाती है। थर्ड टिप्स फ्रेंड्स, रेनी सीजन में बारिश ज़्यादा होने के कारण अगर आपके कंटेनर में एक्सेस पानी जमा होती है तो कंटेनर को ऐसे हिलाकर पानी को निकाल दीजिए। और अगर ग्रो बैग में एक्सेस पानी जमा हुए है तो सीजर जैसी कोई शार्प चीज़ लेकर ग्रो बैग के नीचे ऐसे होल करके एक्सेस पानी को निकाल दीजिए। फोर्थ टिप्स फ्रेंड्स, कंटेनर के ड्रेनेज होल में प्लांट्स के रूट्स या सॉइल जमा होकर ड्रेनेज होल बंद ना होने पाए, इसलिए ऐसे कोई नोकली चीज़ लेकर कुछ दिन के अंतराल में ड्रेनेज होल को क्लीन करते रहना चाहिए। फिफ्थ टिप्स फ्रेंड्स, रेनी सीजन में प्लांट्स में फंगल और इंसेक्ट जैसे एफिड्स माइट्स ज़्यादा अटैक करती है, इससे छुटकारा पाने के लिए 1 लीटर पानी लेकर उसमें 5 ml नीम ऑयल, 5 ml हैंड वॉश और 5 ml बेकिंग सोडा अच्छे से मिलाकर प्लांट्स में हर 7 डेज के अंतराल में अच्छे से स्प्रे करना चाहिए। सिक्स टिप्स फ्रेंड्स, रेनी सीजन में एक्सेस रेनफॉल से और एक तरीके से आप आपके प्लांट्स को बचा सकते हैं, वो है प्लांट्स में रेनकोट पहनाकर। प्लांट्स के लिए रेनकोट बनाने के लिए आप ऐसे हार्ड प्लास्टिक और राइस बैग भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लास्टिक लेकर ठीक ऐसे प्लांट्स के नीचे वाले हिस्से को चारों तरफ से कवर करके एक स्टेपलर की मदद से सील कर देनी है। इससे होगा ये कि रेनफॉल डायरेक्ट कंटेनर के सॉइल में ना जाकर प्लास्टिक में गिरकर कंटेनर के बाहर गिर जाएगी। सेवन टिप्स फ्रेंड्स, रेनी सीजन में आपको आपके प्लांट्स के न्यूट्रिशन के भी ख्याल रखनी है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो और प्लांट्स अच्छे से फूले और फले। इसलिए कोई भी कंपोस्ट लेकर उसमें बोन डस्ट, नीम केक पाउडर, वुड एश मिलाकर एक मिक्स फर्टिलाइजर तैयार करके 20 डेज के अंतराल में प्लांट्स के सॉइल में अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ 10 डेज के अंतराल में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर यूज करना चाहिए, इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होते रहेगी। फ्रेंड्स, आप अगर रेनी सीजन में इन सारे टिप्स को आपके प्लांट्स में अप्लाई करते हैं तो जितनी भी बारिश हो आपके प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज यही तक, बाय।